In Jammu and Kashmir, the overall situation is fast returning to normal with the curfew being relaxed at various areas at night. The schools have been reopened in some places in the valley. Newspaper editors have also returned to work today. Curfew has also been relaxed at several areas. Chief Minister Mehbooba Mufti has convened an all-party meeting in Srinagar to discuss the situation in the valley. And let's go across to our correspondent Ajay Vikram Singh, tracking developments on the ground situation from Srinagar. Ajay, that all party meeting convened by the chief minister, of course, the more measures and efforts to be taken by the state government, of course, combined efforts of the center and the state government, making sure that peace and normalcy prevail there in the state. What is likely to emerge, or what has so far emerged from that all party meeting as far as measures from here on are concerned? जी बिल्कुल नैन्सी, इस ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद ही ये है कि जिस तरह से विपक्षी दलों ने डिमांड की थी कि जो हालात हैं उसके राजनीतिक हल के लिए एक ज़रूर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, उसको देखते हुए मेहबूबा मुफ्ती ने मीटिंग बुलाई है। केंद्र सरकार ने भी इसके संकेत दिए थे कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें भाग नहीं लिया है, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्रमुख दल हैं उसमें हिस्सा लिए हुए। अभी भी फिलहाल मीटिंग चल रही है, करीब 3.5 घंटे के करीब हो चुके हैं, लेकिन अभी मीटिंग जारी है। मीटिंग के बाहर कुछ लीडर्स आए और उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, तो आमतौर पर जो बात निकल कर आई कि उन सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री से अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और ये कहा है कि यहाँ की जो ज़मीनी स्थिति है, जो यहाँ की ज़मीनी हकीकत है, उसको देखकर हमें काम करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन जो लीडर्स जो नेता हैं वो लोगों के बीच में कितना जाके भरोसा बहाली का काम कर पा रहे हैं उस पर काम करना होगा, क्योंकि अगर अभी कुछ दिनों से आप देखिए जब से ये स्थिति हुई तब से एक थोड़ा सा राजनीतिक शून्य की स्थिति ज़रूर बनी थी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि लीडर्स को अलाउ नहीं कर पा रहे थे, वो बाहर नहीं जा पा रहे थे और इस वजह से ऐसी स्थितियाँ थी। और मेहबूबा मुफ्ती से और भी स्थितियों की चर्चा हुई है, खासतौर से आज जिस तरह से गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में साफ तौर पर एक काफ़ी अहम बात कही। उन्होंने जिस तरह से कहा कि पैलेट गन का उपयोग कम से कम किया जाए या फिर इसकी जगह और क्या ऑप्शन हो सकता है, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका जो एक बहुत बड़ा संकेत है कि निश्चित तौर पर इस घटना के बाद से मैं जहां भी जिन लोगों से बात करता था इसमें इस बारे में ज़रूर लोग चिंता जाहिर करते थे, और एक बहुत बड़ा कदम है निश्चित तौर पर गृहमंत्री का ये जो फैसला है, यहाँ पर लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि स्थितियाँ धीरे धीरे जिस तरह से आज 2 दिनों से स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य ज़रूर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सामान्य तो नहीं हुई हैं लेकिन शाम के वक्त सामान्य होती हुई दिख रही हैं। पिछले कुछ दिनों से जो हिंसक घटनाएं होती थी उनमें भी काफ़ी रोक लगी है, तो उम्मीद ये की जाती है कि इस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो आउटकम निकलेगा और उसके बाद जिस तरह से केंद्र सरकार की कोशिशें हैं एक जरूर एक अच्छा यहां पर माहौल बन सकेगा। राइट, सो कंबाइन एफर्ट्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सिचुएशन दे परहैप्स slowly moving towards normalcy. Ajay Vikram Singh, quickly a word on the curfew that has been relaxed at various places and also at some places at night, and what more information can you share with us as far as the schools are concerned? Some of the schools in some of the areas have been reopened, and a word on the curfew situation, and also Ajay, medical facilities being extended, all those facilities because of the incident in the past few days, those injured, medical facilities in the state have been enhanced. जी बिल्कुल नैन्सी, अगर हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके थे, करीब 4 ऐसे इलाके थे जहां पर शिक्षा विभाग ने आज कहा था कि स्कूल को खोला जाए, उसका बहुत व्यापक तौर पर तो स्कूल नहीं खुल पाया क्योंकि आज पहला दिन था। कुछ एक जगहों पर स्कूल खुलने की ज़रूर खबर आई है, क्योंकि अभी इतने दिनों से कर्फ्यू चल रहा था तो स्थितियां सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा, लोग अपने बच्चों को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, लेकिन कुछ स्कूल ज़रूर खुले थे। इसके साथ ही साथ अगर हम नॉर्मलसी की बात करें तो कर्फ्यू की ढील देने की बात ज़रूर कई जगहों से आई है, करीब 6-7 स्थानों से ऐसी खबरें आई हैं कि कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। और अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में पिछले 2 दिनों से स्थितियाँ सामान्य हैं, दिन के वक्त में भी लोग बाहर आ जा रहे हैं, हालांकि दुकानें
भी बंद हैं, लोगों को अपने जो जरूरी कामकाज हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़े मोड़े लोग रोड पर जरूर दिख रहे हैं और कमोबेश पूरे वैली से ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। जिस तरह से गृहमंत्री ने कहा, उम्मीद कर सकते हैं कि एक दो दिनों में और स्थितियां सामान्य होंगी और शाम के बाद कुछ जो लोगों को ज़रूरी सामान है वो मुहैया कराए जाते हैं, खासतौर से सुबह 5 बजे के पहले लोगों को अपने ज़रूरी कामकाज के लिए जो सामान होते हैं खाने पीने के वो बाहर लेने निकल रहे हैं। जी ऑल राइट, अजय विक्रम सिंह, थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द मोमेंट एंड शेयरिंग ऑल दोज डिटेल्स देयर फ्रॉम ऑन द ग्राउंड सिचुएशन।